Hello friends, welcome to Study Go with Zina Siddiqui. For more videos, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप वहाँ पर क्लिक करके मुझे इजीली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र की प्रकृति, स्कोप ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र का क्षेत्र, और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र का महत्व. दोस्तों मैंने ज्यूरिसप्रूडेंस की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने ज्यूरिसप्रूडेंस की सारी वीडियोस ऐड की हैं. जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है वो सब वीडियो उस प्लेलिस्ट में है. उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां पर क्लिक करके उन वीडियोस को इजीली देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो. दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस. ज्यूरिसप्रूडेंस यानी कि क्या होता है ज्यूरिसप्रूडेंस? ज्यूरिस मतलब लॉ, प्रूडेंस यानी नॉलेज यानी कि विधि का ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल ऑफ लॉ. ठीक है, यानी इस चीज का नेचर क्या है, मतलब इसकी प्रकृति क्या है. दोस्तों जो ज्यूरिसप्रूडेंस है उसको कुछ लोग बोलते हैं कि ये जितनी भी सोशल साइंसेज हैं यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, इथिक्स, इन सब से अलग है. ऐसा कुछ ज्यूरिस्ट का मानना है. वो लोग बोलते हैं कि सोशल साइंसेज जो है वो ज्यूरिसप्रूडेंस से अलग है, यानी कि ज्यूरिसप्रूडेंस सोशल साइंसेस से बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है प्रकृति में, नेचर में. द रीजन फॉर दिस इज दैट इट इज नॉट कोडिफाइड सब्जेक्ट. उन लोगों का मानना है कि ये कोई कोडिफाइड सब्जेक्ट नहीं है. कोडिफाइड यानी कि जैसा लिख दिया बस उतना ही, ठीक है, या जैसे कि बैरक्ट होता है उसमें जितनी बातें लिखी गई हैं वो सिर्फ उस पर अप्लाई होता है, ठीक है. और मतलब ऐसा सब्जेक्ट ज्यूरिसप्रूडेंस नहीं है, कोई कॉडिफाइड सब्जेक्ट नहीं है. दोस्तों जैसे हमारा हिंदू लॉ होता था, प्रीवियस का जो हमारा हिंदू लॉ था यानी प्राचीन काल में जो हिंदू लॉ था, ठीक है, वो हमारा अनकॉडिफाइड था. तो इसी तरह ज्यूरिसप्रूडेंस भी क्या है, अनकॉडिफाइड सब्जेक्ट है, एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है और डायनेमिक सब्जेक्ट है. मतलब लगातार इसमें वृद्धि हो रही है, इसके क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है, ठीक है. विकासशील मतलब जो विकास करता हुआ सब्जेक्ट जिसे बोल सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, डायनेमिक सब्जेक्ट है भैया, ठीक है. इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही डायनेमिक है. अब ज्यूरिसप्रूडेंस हैज नो लिमिटेड स्कोप बीइंग अ ग्रोइंग सब्जेक्ट. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्यूरिसप्रूडेंस का जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है. सीमित नहीं कर सकते हम ज्यूरिसप्रूडेंस को कि बस ज्यूरिसप्रूडेंस में यही पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है. ज्यूरिसप्रूडेंस एक अनलिमिटेड सब्जेक्ट है, ग्रोइंग सब्जेक्ट है. तो ये था नेचर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस में थोड़ा सा स्कोप ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, ठीक है. ये चीजें आप स्कोप ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस में भी लिख कर आ सकते हैं. तो दोस्तों नेचर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है? There is a difference of opinion about the nature of jurisprudence. मतलब यहाँ पर अलग अलग opinion है सभी jurists के कि भाई jurisprudence क्या है, सबका अलग अलग मानना है. कुछ लोग बोलते हैं कि ये कला है, ये आर्ट है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि ये नहीं, ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है. बट टू कॉल इट साइंस वुड बी मोर प्रॉपर एंड यूजफुल. दोस्तों अगर कुछ लोग बोल रहे हैं इसे आर्ट और कुछ बोल रहे हैं साइंस, तो लेकिन जो सबके जो एवरेज हम निकालेंगे, सबका जो व्यू है उनका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो साइंस हमें ज़्यादा लगता है कि ये साइंस है, ठीक है. तो इस तरह से साइंस कहना ज़्यादा प्रॉपर है और यूजफुल है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह हम साइंस में क्या करते हैं, कोई भी मेथड्स हम देखते हैं, उस पर कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, फिर हम उसको इन्वेंट मतलब कुछ भी चीज़ें हम अगर इन्वेंट करते हैं, मतलब टेक्निकली करते हैं, जो भी चीज़ें हम करें टेक्निकली हम सोचते हैं, साइंस में हम टेक्निकली जाते हैं, ठीक है. और सिस्टमेटिक स्टडी होती है वो किसी भी चीज़ की. इसी तरह जो हमारा ज्यूरिसप्रूडेंस है वो भी एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है लॉ की, ठीक है. और लॉ की क्या क्या टेक्निक्स हैं उसको देखा जाता है ज्यूरिसप्रूडेंस में, उसको टेक्निकली कैसे डील करना है लॉ को, ये ज्यूरिसप्रूडेंस में देखा जाता है, ठीक है. तो इस तरह से ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसको साइंस कहना ज़्यादा प्रॉपर होगा और ज़्यादा यूजफुल भी माना जाएगा. तो दोस्तों ये तो है हमारा ज्यूरिसप्रूडेंस का नेचर, ठीक है. और ये जो लाइंस हैं, ये जो बीच में मैंने ऐड की हैं, इसको आप स्कोप में भी लिख कर आ सकते हैं. दोस्तों हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस यानी कि हमारा जो ज्यूरिसप्रूडेंस है उसका क्षेत्र कितना है. दोस्तों जो हमारा ज्यूरिसप्रूडेंस का क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, मतलब बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विस्तृत, ठीक है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक अनकोडिफाइड सब्जेक्ट है, यानी कि इसको लिमिटेड नहीं किया जा सकता है, ये कोई लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं है.
ठीक है, और ये सोशल साइंसेस से भी अलग सब्जेक्ट है अपने नेचर में, और ये एक कला भी है और ये एक साइंस भी है, विज्ञान भी कह सकते हैं इसको, कला भी कह सकते हैं, लेकिन इसे विज्ञान कहना अधिक उचित होगा, यानी कि मोर प्रॉपर होगा। तो इसका स्कोप क्या है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये कोई लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये ग्रोइंग सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना तो कोई लिमिटेशन है और ना ही ये कोई कोडिफाइड सब्जेक्ट है। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड होगा। तो इसी तरह जस्टिस पीपी मुखर्जी, ये विधिवेता हैं जस्टिस पीपी मुखर्जी, इन्होंने कमेंट किया इसके स्कोप के ऊपर और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो जुरिस्प्रूडेंस है वो इंटेलेक्चुअल एंड आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन है, और साथ ही उन्होंने बोला कि ये एक बिहेवियरल स्टडी है मैन की इन सोसाइटी, यानी कि जो व्यक्ति है उसका सोसाइटी में क्या बिहेवियर है, क्या उसका व्यवहार है, मतलब किस तरह से कोई मनुष्य व्यवहार अपना दर्शाता है समाज में, सोसाइटी में उसका क्या व्यवहार है, दूसरे व्यक्ति के प्रति जो रिलेशन चल रहा है बीच में, ठीक है, सोसाइटी के प्रति जो रिलेशन चल रहा है, उन सब का जो अध्ययन है यानी स्टडी है, यानी कि व्यवहारिक स्टडी, बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी, ये जुरिस्प्रूडेंस है, ऐसा जस्टिस पीवी मुखर्जी का मानना है। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडियाज, जितने भी राजनीतिक आइडियाज हो गए, एक हमारे सोशल आइडिया हो गए, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडियाज, ठीक है, जो भी ये सब चीज़ें हैं जिससे सोसाइटी हमारी गवर्न होती है, जो सोसाइटी में हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें जुरिस्प्रूडेंस में आती हैं, जुरिस्प्रूडेंस में इंक्लूड्स है। इट कवर्स द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू सोसाइटी, दोस्तों ये जो स्टडी करता है, जो हमारा समाज है, समाज में एक मनुष्य का क्या रिश्ता है, यानी समाज से मनुष्य का क्या रिश्ता है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कैसे गवर्न होता है, कैसे चलता है, प्रॉपर वे में रिलेशन कैसे चलता है, क्या ऑफेंस कोई व्यक्ति मतलब कमिट करता है, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को कवर करता है जुरिस्प्रूडेंस, इन सब की स्टडी होती है जुरिस्प्रूडेंस में। द ऑब्जेक्ट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इज नॉट टू डिस्कवर न्यू रूल्स बट टू रिफ्लेक्ट ऑन द रूल्स ऑलरेडी नॉन, यानी कि दोस्तों जो जुरिस्प्रूडेंस है उसका ऑब्जेक्ट ये है कि वो न्यू रूल्स को डिस्कवर ना करे, बल्कि जो रूल्स पहले से ही हैं, मतलब समाज में जो रूल्स पहले से ही हैं, उनको देखे, उनको रिफ्लेक्ट करे, उन पर प्रकाश डाले कि ये रूल्स हैं, इसमें क्या गलत है, क्या सही है, जो सही है उसको अडप्ट कर लिया जाए और जो गलत है उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। तो ये जुरिस्प्रूडेंस का स्कोप जो है ऐसा, जो पीवी मुखर्जी को ऑब्जर्व हुआ वो उन्होंने बताया। अब हम देखेंगे कि ऑस्टिन का क्या व्यू है जुरिस्प्रूडेंस के स्कोप के बारे में। दोस्तों ऑस्टिन को तो आप जानते ही होंगे, जो जुरिस्प्रूडेंस के फादर भी कहे जाते हैं और इन्हें हम एनालिटिकल स्कूल का फादर भी बोलते हैं। वैसे तो दोस्तों ये जो हमारे बेंथम थे, जेरमी बेंथम, उनके शिष्य थे, उनके डिसिपल थे, उनके पास जाते थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि ऑस्टिन है जुरिस्प्रूडेंस के फादर, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बेंथम है। तो ये जो भी है इसको छोड़ो। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ऑस्टिन का मानना है कि जुरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। इन्होंने कोशिश की जुरिस्प्रूडेंस के स्कोप को लिमिटेड करने की, यानी कि स्कोप को सीमित करने की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने कोशिश की जो मॉरल्स होते हैं, थियोलॉजी जो है यानी धर्म शास्त्र, मॉरल्स यानी नैतिकता, इन चीज़ों को जुरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है उससे बाहर निकाल दिया, उससे अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि जुरिस्प्रूडेंस में इन दोनों चीज़ों की स्टडी नहीं की जाती है। दस द स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस वॉज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ऑस्टिन ने कहा था कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, जुरिस्प्रूडेंस इज अ फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। इन्होंने बोला था जुरिस्प्रूडेंस फिलॉसफी है पॉजिटिव लॉ की। तो इस तरह से अगर हम ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट तक ही जाएं कि जुरिस्प्रूडेंस फिलॉसफी है पॉजिटिव लॉ की, तो इस तरह से जो एथिक्स है एंड थियोलॉजी, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर थियोलॉजी कर लेना। तो इस तरह से जो एथिक्स एंड थियोलॉजी है वो जुरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है, जो प्रोविंस है उसका, उससे बाहर हो जाते हैं, उससे आउटसाइड चले जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने थियोलॉजी एंड मॉरल्स
यानी कि एथिक्स, इसको अलग कर दिया जुरिस्प्रूडेंस के स्कोप से। और साथ ही दोस्तों आप लोग जानते होंगे सालमन के बारे में, उन्होंने जैसा कि कहा था कि जुरिस्प्रूडेंस में जिस लॉ की स्टडी की जाती है उसके अंतर्गत इंटरनेशनल लॉ नहीं आता है, तो उन्होंने भी क्या किया, इंटरनेशनल को जुरिस्प्रूडेंस के स्कोप से बाहर कर दिया। बट ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनेशनल लॉ भी एक लॉ है, तो वो भी जुरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है। लेकिन दोस्तों जो प्रेजेंट व्यू है, अब हम प्रेजेंट व्यू देखेंगे, यानी कि आजकल जो व्यू माना जाता है वो क्या है। प्रेजेंट व्यू क्या है, द प्रेजेंट व्यू इज दैट द स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कांट बी सर्कमस्क्राइब्ड एंड रेजिमेंटेड, यानी कि दोस्तों जुरिस्प्रूडेंस को लिमिटेड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको सर्कमस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसको सीमित नहीं किया जा सकता है। इट इंक्लूड्स ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑर्डर एंड ह्यूमन कंडक्ट इन द स्टेट एंड सोसाइटी, यानी कि दोस्तों जो हमारा जुरिस्प्रूडेंस है इसमें ह्यूमन ऑर्डर के, यानी कि मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी कंडक्ट वो कमिट करता है, चाहे वो ऑफेंस हो या फिर कोई अच्छा कार्य हो, कोई भी अच्छा काम क्यों ना हो, सब चीज़ें जुरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट्स में आती है। और जो भी काम, जो भी क्रियाकलाप, ऑर्डर और कंडक्ट ह्यूमन करता है स्टेट में एंड सोसाइटी के अंदर, जो कंडक्ट ह्यूमन करता है, उन सब का कॉन्सेप्ट्स जुरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है। सो दैट इट्स नॉट अ क्वालिफाइड सब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं भाई ये क्वालिफाइड सब्जेक्ट नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये क्वालिफाइड नहीं है, ये एक अनक्वालिफाइड सब्जेक्ट है, इसकी लिमिटेशंस नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, इट हैज़ नो लिमिटेशन, इट इज़ अ ग्रोइंग एंड डायनेमिक सब्जेक्ट। तो ये क्या है, एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, विकास की ओर बढ़ता हुआ सब्जेक्ट है, ये विकास कर रहा है, अपने क्षेत्र में विकास कर रहा है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसका जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। द व्यू ऑफ लॉर्ड रटक्लिफ इज दैट जुरिस्प्रूडेंस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, अ पार्ट ऑफ एथिक्स एंड अ फिलोसफी ऑफ लाइफ, इनका ये सेंटेंस है। इसमें इन्होंने जुरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है बहुत ही ज़्यादा वाइड कर दिया, मतलब जुरिस्प्रूडेंस क्या है, हिस्ट्री का भी पार्ट है वो, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, सोशियोलॉजी का भी पार्ट है, और एथिक्स का भी पार्ट है, और साथ ही साथ जो बड़ी चीज़ है, ये हमारी ह्यूमन जो होते हैं उनकी लाइफ की फिलॉसफी है, ये कहकर जुरिस्प्रूडेंस का स्कोप जो है वो लॉर्ड रटक्लिफ ने बहुत ही वाइड कर दिया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जुरिस्प्रूडेंस का स्कोप है वो क्वालिफाइड नहीं है, वो विदाउट लिमिटेशंस है, मतलब उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ग्रोइंग सब्जेक्ट है एंड डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो यानी कि जुरिस्प्रूडेंस का स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, ये बहुत ब्रॉड है इसका स्कोप। तो दोस्तों ये तो था हमारा स्कोप जुरिस्प्रूडेंस का। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, यानी कि विधि शास्त्र का महत्व। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जुरिस्प्रूडेंस एक अनक्वालिफाइड सब्जेक्ट है, यानी इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं, विदाउट लिमिटेशंस, ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये सीमित सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, संहिताबद्ध नहीं है, और ये एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है और डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। अगर ये ब्रॉड सब्जेक्ट है तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो जुरिस्प्रूडेंस है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सालमन, दोस्तों जो सालमन है उनका मानना है कि ये जो जुरिस्प्रूडेंस है इसका अपना ही इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है एंड वैल्यूज है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सीरियस स्कॉलरशिप का विषय है और रिसर्च का विषय है, यानी कि जो जुरिस्प्रूडेंस है ये एक सीरियस स्कॉलरशिप एंड रिसर्च का विषय है, क्योंकि इसमें जुरिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं जो लॉ है वो है क्या, किसी केस में किस तरह से लॉ को पुट किया जाना चाहिए, यानी कि वो जो लीगल कॉन्सेप्शंस है उनका लीगल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकली उनको एनालाइज करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है सीरियस स्कॉलरशिप एंड रिसर्च का। इट इज़ द बिलीव ऑफ द सब्जेक्ट दैट द थ्योरी कैन हेल्प टू इम्प्रूव द प्रैक्टिस, यानी कि जो प्रैक्टिकल वर्क है उसको थ्योरीज इम्प्रूव कर सकती हैं, ऐसा इस सब्जेक्ट का मानना है। दोस्तों जो जुरिस्प्रूडेंस है उसमें अलग अलग तरह की मतलब बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरी हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो इस तरह से इस सब्जेक्ट का मानना है कि जो थ्योरीज जुरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड कर रहा है हमें, अलग अलग तरह की थ्योरीज जुरिस्प्रूडेंस में दी गई हैं, उन थ्योरीज के जरिए एक प्रैक्टिकल वर्क यानी जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव की जा सकती है।
यहाँ जो जुरिस्प्रूडेंस है उसका एक अपना एजुकेशनल वैल्यू है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इसको स्टडी करेगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो लॉजिकल एनालिसिस है लीगल कॉन्सेप्शंस की, ठीक है, जो लीगल कॉन्सेप्शंस है उनको किस तरह से एनालाइज कर रहा है वो, ठीक है, वो सब चीज़ें उसकी बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएंगी। उसकी लॉजिकल टेक्निक्स जो है, यानी कोई लॉयर अगर इसको स्टडी करता है तो उसकी लॉजिकल टेक्निक्स शार्प हो जाएंगी, और साथ ही उसे पता चल जाएगा कि किसी लॉ को किसी मैटर में कैसे पुट करना है, जो सोसाइटी की नीड्स है उसके हिसाब से किसी लॉ को किसी मैटर में किस तरह से पुट करना है, ये सब चीज़ें उसको जुरिस्प्रूडेंस की स्टडी से पता चलती है। जुरिस्प्रूडेंस द आई ऑफ लॉ, यानी कि दोस्तों जुरिस्प्रूडेंस विधि जो होता है हमारा उसकी आंख है, यानी कि भाई अगर जुरिस्प्रूडेंस नहीं होगा तो लॉ क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, विधि अंधी हो जाएगी। एंड द ग्रामर ऑफ लॉ, बिकॉज जो जुरिस्प्रूडेंस है वो ग्रामर भी है लॉ का, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट्स करता है लाइट ऑन द बेसिक आइडियाज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, यानी कि जो बेसिक आइडियाज हैं लॉ के कि ये किस तरह से लॉ को चलना चाहिए, जो बेसिक है लॉ का आधार जो है, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के उसके ऊपर मतलब प्रकाश डालता है कि इसके जो हमारा लॉ है ये ऐसे गवर्न होता था, और लॉ किस चीज़ मतलब जो लॉ है उसकी नींव क्या है, और फंडामेंटल कॉन्सेप्शंस जो हैं मतलब प्रिंसिपल्स जो लॉ के हैं, थ्योरीज जो हैं लॉ की, उनके ऊपर प्रकाश डालता है। देयरफॉर बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ, इट्स कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शंस, अ लॉयर कैन फाइंड आउट द एक्चुअल रूल ऑफ लॉ। यानी कि दोस्तों अगर कोई लॉयर इसको स्टडी करता है, जुरिस्प्रूडेंस की स्टडी करता है, तो उसे पता चल जाएगा कि जो लॉ है उसका नेचर क्या है, और जो लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, और जो लॉ है और मोरालिटी है बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें डिस्टिंक्शंस क्या है, ठीक है, लॉ किस तरह से किसी चीज़ से अलग है, ये सब चीज़ें लॉयर को पता चल जाएगी। इस तरह से लॉयर को जो एक्चुअल मीनिंग है, जो एक्चुअल रूल ऑफ लॉ है, उस चीज़ का भी पता चल जाता है। सम लॉजिकल ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर अ लॉयर विच ही कैन फाइंड फ्रॉम द स्टडी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, यानी कि दोस्तों जो हमारे लॉयर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोगों के लिए लॉजिकल ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, और वो हमें कहाँ से मिलती है, जुरिस्प्रूडेंस से। इट ट्रेन्स द क्रिटिकल फैकल्टीज ऑफ द माइंड एंड द स्टूडेंट सो दैट दे कैन यूज एक्यूरेट लीगल टर्मिनोलॉजी एंड एक्सप्रेशन, यानी कि दोस्तों ये जो हमारी दिमाग की जो फैकल्टी है, क्रिटिकल फैकल्टी, उसको क्या करता है, ट्रेन करता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्यूरेट लीगल टर्मिनोलॉजी है एंड एक्सप्रेशन, मतलब किस लीगल टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना है, ठीक है, इस चीज़ को हम सीख जाते हैं। इट हेल्प्स अ लॉयर इन प्रैक्टिकल वर्क, ये प्रैक्टिकल वर्क में भी हेल्प करता है। अ लॉयर ऑलवेज हैज टू टेकल अ न्यू प्रॉब्लम एवरी डे, मतलब एक जो लॉयर है उसको रोज़ के रोज़ एक नई प्रॉब्लम डील करनी होती है, रोज़ रोज मतलब अलग अलग तरह के मैटर्स उसके सामने आते हैं। दिस ही कैन हैंडल थ्रू हिज नॉलेज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस विच ट्रेन हिज माइंड टू फाइंड अल्टरनेटिव लीगल चैनल्स ऑफ थॉट, यानी कि दोस्तों ये भी चीज़ जुरिस्प्रूडेंस के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अलग अलग मैटर्स हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में हम जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग हमारे पास आते हैं, उनके अलग अलग मैटर्स होते हैं, तो उन मैटर्स के साथ हमें कैसे डील करना है, ये चीज़ भी हमें जुरिस्प्रूडेंस बताता है। जुरिस्प्रूडेंस हेल्प द जजेस एंड लॉयर इन असर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉज पास बाय लेजिस्लेचर बाय प्रोवाइडिंग रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि दोस्तों जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हमें जुरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड करता है, जुरिस्प्रूडेंस में जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दे रखा है उसके ज़रिए हम जो जजेस और लॉयर जो लोग होते हैं, यानी कि हम लोग ही तो बनेंगे आगे जज एंड लॉयर, ठीक है, तो हम लोगों को ये पता चल जाता है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास किया है उसका ट्रू मीनिंग क्या है, ठीक है, अगर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमें पता चल जाता है उसका ट्रू मीनिंग क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे जुरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस, वैसे तो जुरिस्प्रूडेंस की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स जो थे जो मुझे मिले मैंने यहाँ पर नोट कर दिए, आप अगर नेट पर ढूंढोगे तो आपको और भी पॉइंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थे जुरिस्प्रूडेंस का नेचर, जुरिस्प्रूडेंस का स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अपने LLB के ग्रुप्स वगैरह में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।